जानकी देवींकर घर। जानकी देवींकर तीनोटी पुओ गिरिराज, रविराज आ जयराज। तीनी तीनी पुओंकर मांकु तो बढ़िया से रहिबा दरकार, किंतु एमिति नथिला। जानकी देवी बहुत व्याकुल थिले, आउ तांकर कारण थिला जानकी देवीर तीनी सरकारी काम करूतिबा तीनोटी बहु। बड़ बहु दृष्टि गोटे कॉलेज रा प्रोफेसर थिले, मझिया बहु रिद्धि पुलिस इंस्पेक्टर, आउ छोटो बहु पिहु ओकिल थिला। तीनी बहुंकु निज निजर सरकारी चाकरी पाई अहंकार थिला, आउ तीनी जण प्रति कथारे झगड़ा करूथिले। रिद्धि, तुम्हें तुम्हार पुलिस हेबार ना रुबाब देखाओनी, मु भी गोटे सरकारी चाकरी करे आउ बर्षरे तुमठु बड़। तो कौन हला जदि तमे पयसरे मोठु बड़, तो कौन सबुबेले तमे मते काम दउथुबो कि? निजे भी तो टिकिए काम करिनियो। अरे भाउजा, आज दृष्टि भाभी तुमको काम दे देले तो तुम्हें फट से जवाब दे देल, आउ निजर काम जते बेले तुम्हें मते दियो तो तार कौन? मु भी जणे वकील, तुम बाबदरे केस करि देबी। अरे बास कर, तुम्हें तीनी जन कथा कथा रे तुम्हें मैंने झगड़ा लगुच, आउ ये कौन? मुटा करदेवि सेटा करदेवि, एटा घर तुम मानकर स्कूल की कचेरी नहीं कि तुम पुलिस स्टेशन नुहे, बुझिल? एबे जाओ तुम्हें मैंने निज निज रूम को। तीनी बहु परस्पर को राग राग मुहरे देखिकी निज निज रूम को चली जानती। जानकी देवी मध्य बाहर सोफारे बहुत चिंतित भाव में बसी थांती, आ तीनी बहु निज निजर जॉब पाई चली जानती। किछ समय परे गिरिराज, रविराज आ जयराज तीनी जण निज मां पाखो को पहुंचंती। मां, तमे एते काई के हैरान होछ? ये सब तो नितिदिनिया कथा, आमर तो अभ्यास हे गलानी एई समस्तंकर। एबे तो आमे तीनी जण जाको बाहर ही बसुछु, किए घर को आसी के तीनी जण कर किटकिट सुनिबो? किंतु पुआ, एमिति केते दिन चलिबो? निया लागू एमिति सरकारी चाकरी को जो थी घर सुख शांति ही भांगी जाऊची। एमिति जदि चली रहिबो तो दिने एमाने आमो घर को भांगी देबे। एमिति किछि हबनी मां, आमे तीनी भाई एबे भी सांगरे अछु, आउ आमे तीनी जण को कथा रे बिल्कुल आसिबु नाही। तमे भी आमो भली आई तीनी जण को इग्नोर करबा आरंभ कर दियो मां। ना पुओ, मु ए समस्त अंक अंत करि कि ही रहिबी। प्रतिदिन घरे झगड़ा लागि रहिबो एमिति भलो नाही, घरे सुख शांति सर्वदा रहिबा दरकार। हाँ, आमे तांके सांगरे अछु। तुम्हें गोटिए काम कर कि जहाँ भी मु बहु मानुंकु कहिबी सेथिरे तुम्हें हाँ ही कहिबो। हेले तमे तांकु कोन पचारिबो मा? सेटा तुम्हें मु उपरे छाड़ दियो पुओ, मु तांकर सासु, आउ सासु केमिति बहु मानुंकु सुधारे एहा तुम्हें देखि चाल, आउ मु जहाँ भी सेमानुंकु कहिबी तुम्हें माने बस हाँ ही कहिबो। हाँ, जानकी देवी गोटिए उपाय बाहर करथिले जो थिरे ए प्रतिदिन रा आनबान रा समस्या सर्वदा पाई कटी जीव बोली। आउ आजि एते दिन परे जानकी देवींकर चेहरा रे हस थिला। संध्या रे जते बेले तीनी बहु घर को फेरिले आउ किचन रे काम करूथिले तो जानकी देवी समानंक पाखो को गले। तुमे तीनी जण जाक निज निजर सामान को बांधिनियो। काहे की मम्मी? काहे की ना तुमे तीनी जण निज निजर मां घर को जीव। आमे काहे की हमर मां घर को जीवू? काहे कि ना तुम तीनी जणंकु निज निजर सरकारी चाकरी पाई एते अहंकार अछि कि तुमे तीनी जण जाक सेई अहंकार पाई मो घरर सुख शांति बर्बाद करि देइछ। मोर तीनी पो तुम जगु हैरान रछंती, तुमे तीनी जण जाक बहु हेबार कोनोसी भी कर्तव्य पालिन, एति पाई तुमे तीनी जण जाक निजर मा घर को जाओ। एमिति केमिति मम्मी? एटा त भूल, मु आपणंक उपरे केस करि देबी, आ आपण त मते जानंती हि मु समस्तंकु जेल रेही भरि देबी। हाँ हाँ, मु सब जानी छी, किंतु झियो पिहु निज डाइवर्स रा केस निजे ही लड़िबो कि? रिद्धि, मते हा कह कि ए परिवार रा झगड़ा रा केस मु कोउ थाना रे जाई कि लेखैबी? देख, तुमे तीनी जण भल भाबरे निजर मा घर को जिबार अछि तो जाओ, नहले मु नाटक करिकि केस करिकि तुम तीनी जणंकु बाहर करि पारिबी। सेमिति भी मोर तीनी पुओ मो सांगरे अछंती। एमिति केमिति हेबो? मो स्वामी मो सांगरे हेबे। ठीक अछि, गिरिराज, रविराज, जयराज। जानकी देवींकर शब्द सुनिला मात्रे ही तीन जण पुओ तांको सामने आसी पहुंचिले। तुमे माने निज निजर स्त्री को कह कि तुमे माने सब मो सांगरे अछ बोली कि? हां मां, जहां भी निष्पत्ति नेबे आमे तांको सांगरे अछु। आमे तमो तीन जण को किटकिट रु मन भरी गलानी, मांकर निष्पत्ति आमर निष्पत्ति। एहा सुनिला मात्रे ही तीन सरकारी बहुंकर चेहरा रा रंग उड़ी गला,
ଏବେ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉନଥିଲା କି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି। ଭଲ ଏଥିରେ ଅଛି କି ତୁମେ ତିନି ଜଣ ନିଜ ନିଜର ସାମାନ ବାନ୍ଧ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ମା ଘରକୁ ଯାଅ। ନିଜ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅହଙ୍କାର ନିଜର ମା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଅ। ଏବେ ଯାଅ ଏଇଠୁ। ତିନି ବହୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ତଳ କରିକି ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗିରିରାଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପହଞ୍ଚେ। ଆପଣ ସତରେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯାଏ ବୋଲିକି? ଯଦି ତୁମ ଯିବା ପରେ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ। ମା ବି କେତେ ସହିବ? ତମେ ତିନି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଘମଣ୍ଡି। ଦୃଷ୍ଟିର ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ରୋକିବ ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର ଠାରୁ ଭଲ ହବ କି ତମେ ଚାଲି ଯାଅ। ଦୃଷ୍ଟିର ପୁରା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲା। କଣ ତମେ ମୋତେ ସତରେ ଡାଇଭର୍ସ ଦେବ? ହଁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ତ। ଏବେ ପିହୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଜାନକୀ ଦେବୀ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତିନି ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ମା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଏ ଘରୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ସ ଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ତିନିଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଘରଠୁ ବଳି ତୁମର ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ନା? କ'ଣ ବଡ଼ ବୋହୂ, ତୁମେ ଆଜି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇବ ନାହିଁ? ମଝିଆ ବୋହୂ, ଆମକୁ ଥାନା ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମେ ଛୋଟ ବୋହୂ, ତୁମେ ତ ଆମ ଉପରେ କେସ୍ କରୁଥିଲ ନା? ତିନି ଜଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସିଗଲା। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି କେବେ ଆମର ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରର ଶାନ୍ତି ବନେଇକି ରଖିବୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜାନକୀ ଦେବୀ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଜି ତାର ତିନି ସରକାରୀ ବୋହୂଙ୍କର ଆଖିରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଥିଲା। ବଡ଼ ବୋହୂ, ମଝିଆ ବୋହୂ, ଛୋଟ ବୋହୂ, କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ହିଁ ବେଶୀ। ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତିନି ଜଣ ନିଜ ନିଜର ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଅହଙ୍କାରରେ ମୋ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି ତୁମେ ତିନି ଜଣ ଏଇଠୁ ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲି, ଏ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ବନେଇକି ରଖିବ। ଶେଷରେ ଜାନକୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ତିନି ସରକାରୀ ବୋହୂଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ହିଁ ଦେଲେ। ଅନ୍ତଃ ଭଲ ତ ସବୁ ଭଲ।